बांद्रा के कार्य सम्राट जाहिद यूनुस खान और मेडिकल कोऑर्डिनेटर फहमीदा द्वारा भव्य महामेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन बांद्रा पश्चिम स्थित लकी होटल के पास किया गया। इस मेगा मेडिकल कैंप में लगभग हर बीमारियों की जांच का इंतजाम किया गया था। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आंखों का चेकअप, हड्डियों का चेकअप, ECG, न्यूरोलॉजिस्ट जैसी कई सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा मुफ्त में लोगों को चश्मा मुहैया कराया गया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस कार्यक्रम में जाहिद यूनुस खान का हौसला बढ़ाने के लिए भामला फाउंडेशन के अध्यक्ष आसिफ भामला मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मिशन इन्होंने लिया है उसको देखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। इस बस्ती के क्या ज़रूरतमंद बस्ती यही है अगर आप देखो तो, बाकी इलाकों में तो हर जगह हर मत पहुँचती है। अगर आप देखो तो मुंबई शहर में अखिलेश के जो बस्तियां हैं वो महरूम रही हैं इन तमाम चीज़ों से। और ऐसी जगहों पर अगर जाहिद जैसे जो है मुजाहिदीन, मैं कहूँगा कम अज़ कम जिस अच्छे काम के लिए अगर उतरते हैं, या हम सब उनको सपोर्ट करते हैं, महराज हुसैन भी यही है, ये सब मिलकर एक अच्छे से टीम में ये लोग काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई एक इनिशिएटिव हर महीने इस हल्के के लोगों की सेहत के लिए। आज सेहत की अहमियत कोरोना ने हमें बता दी है। कोरोना के बाद जो है आपके करोड़ों रुपये हो, कितनी भी आपकी इस्तेमाल हो,
जितने भी आपकी दौलत हो ये सब जो है नाकाम है। आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत ही है जो आपके साथ चलेगी और आपके काम आएगी। और मैं देखता हूँ कि बेचारे गरीब लोग हैं तो अक्सर दवाइयों से महरूम रहते हैं, पैसे नहीं रहते उनको करने को, तो मैं तो हैरतमंद हो गया कि यहाँ देख कर इतने सारे मतलब 10-15 लाख के ऊपर दवाओं का स्टॉक, ताकि सिर्फ चेकअप ही नहीं, अमूमन लोग चेकअप कराते हैं भूल जाते हैं, चेकअप हो गया तो वो पेपर अपना उन्होंने अपना रख दिया और वो जो बेचारे आए हैं जहर इलाज वो अपनी जगह रहते हैं, जो उनका दवाई के लिए पैसे नहीं रहते। तो यहाँ बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि चेकअप के साथ साथ जो है दवाई जो ज़रूरतमंदों को जो ज़रूरत की दवाई है, जैसे हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट की दवाई है, डायबिटीज़ पेशेंट है, मैंने खुद अपना चेकअप कराया आज तो ठीक है माशाल्लाह नॉर्मल, मुझे खुद खुशी हो रही है, शुक्रिया जाए, वरना मैं भी अमूमन बहुत लेजी हूँ उस मामले, बहुत आलसी हूँ जाके चेकअप अमूमन कराने के, लेकिन जब क्या अपने हल्के में रहता है तो नहीं आने वाले लोग भी कोशिश करते कि नहीं उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें सहभाग हो, उसमें अपने अपना चेकअप भी कराओ, इस बहाने से सबकी सेहत अच्छी रहती है। तो एक हरा भरा इलाका और तंदुरुस्त लोग हल्के में रहना ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ जाहिर। आप इसी तरीके से अच्छे काम में करते रहो, हमारी भामला फाउंडेशन का पूरा साथ आपको है और इंशाल्लाह लोग आगे मिलकर और भी ऐसे कुछ काम और भी हल्कों में, इस हल्के में तो खैर आपका नाम और शोहरत अल्लाह ने आपको नवाजा है, लेकिन इसको सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रखो, आप इसको और भी जगहों पर आप करें और हम भी इसमें साथ मिलकर एक अच्छा सा काम कर सकते हैं जिसमें एक बड़ा स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट की मतलब ये है कि ज़्यादा लोग उसको इसका सर्फ हासिल हो, ये मेरा मुफीद है करने का, तो मैं चाहूँगा। और फिर से एक बार इस हल्के के लोगों ने भी इतने बढ़ चढ़ कर, मैं समझ सकता हूँ सुबह फजर बाद से ये कैंप शुरू हुआ है, मुझे लगता है कब असर तक रहेगा, 4 बजे तक रहेगा, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है इतने लोगों में, इतने सारे बेचारे जो ज़यीफ़ लोग हैं मैं देख रहा हूँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मुफलिस लोग हैं, जो बेचारे जिन्हें नौकरी काम नहीं है, जो खुद दवाएँ नहीं खरीद सकते उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ मुआवजा किया है उन्होंने, इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको इस तरीके की और ताकत दे कि इस किस्म के अच्छे काम आप लोग करते रहें, आपकी संस्था के भी माध्यम से और पार्टी के तो हर 2 महीने में एक बार मेगा मेडिकल कैंप लगा थे, इससे पहले भी जे कॉलोनी में लगाए थे, फिर भी आया न्यू ईयर आया, न्यू ईयर की वजह से 1 महीना पेंडिंग करके हम लोगों ने फेब्रुअरी में लगाया। इस कैंप के माध्यम से यही रहता है कि भाई जो गोर गरीब है, जो इलाज नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट है, किडनी है, नी का प्रॉब्लम है, उन सारे लोगों को इस कैंप के अंदर सुविधा दी गई है ताकि वो अपना आए, फ्री में चेकअप करा के जाए, डॉक्टर कंसल्ट करके जाए, अगर किसी को सर्जरी लगती है तो सर्जरी भी करा के देंगे, हर दवा का इंतज़ाम किया है, दवा फ्री किया है। तो मुद्दा ये है कि लोगों के घर घर सुविधा मेडिकल की होना चाहिए, इसलिए कैंप लगाया गया। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने लोग आएंगे और किस तरह से भीड़ देखी जा रही है? 2000 के ऊपर का एक्सपेक्टेशन है, रजिस्ट्रेशन अभी 1000 तलब हो गया है और 1000 फर्स्ट हाफ के बाद 1000 लोग आएंगे, 2000 का एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, चेकअप के दौरान अगर किसी का कोई बड़ी बीमारी निकल रही है तो उसके लिए क्या? चेकअप के दौरान अगर बड़ी बीमारी निकल रही है तो डॉक्टर को ये इंटीमेशन दिया गया है कि जाहिद खान के ऑफिस में जाइए, मैं जाहिद खान के लोगों से कंसल्ट करिए, फिर हम लोग उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा के देंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्टर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल किए गए? किडनी के डॉक्टर्स है, हार्ट के डॉक्टर्स है, यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स है, बीपी शुगर के डॉक्टर्स है, बोन्स के डॉक्टर्स है, स्पाइन के डॉक्टर्स है, आँखों के डॉक्टर है, काफ़ी डॉक्टरों का अरेंजमेंट किया गया है। किन किन अस्पतालों से कुछ टाइप किया है कि कुछ जैसे बड़ी बीमारी है बॉम्बे हॉस्पिटल से टाइप किया गया है, ओजस हॉस्पिटल से टाइप किया गया है, बालाजी हॉस्पिटल से टाइप किया गया है। इसके अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनके इलाज के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि प्रिवेंशन जो है पहले अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा? क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, आज हम जिस एरिए में कैंप कर रहे हैं पूरा स्लम एरिया है, स्लम एरिया है, बेचारे 100 स्क्वायर फीट में रहते हैं, वो क्या प्रिवेंशन करेंगे? उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़ कमाते, रोज़ खाते,
के बीमारी होती है लगती है, लेकिन लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि भाई ऐसी नौबत में आए, इससे पहले आप लोग अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें, कोई बड़ी बीमारी आने से पहले टाइम टू टाइम डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, हर 6 महीने में अपना ब्लड चेक किया जाए ताकि कुछ बड़ी बीमारी हो तो उससे पहले पता चल जाए। मेडिकल कैंप का आयोजन वेस्ट में किया गया है, क्या मकसद रहा और इस तरह से लोगों का प्यार दिख रहा है, क्या कहते हैं? आज हर कोई इंसान, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सबको तंदुरुस्त रहना ज़रूरी है। तो मेडिकल कैंप जब होता है तो हम ये देखते हैं कि सर से लेके पैर तक का पहले तो उनको डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आजकल मेजर जो है स्ट्रेस है, स्ट्रेस रिलेटेड हो, फिर नस के प्रॉब्लम है लोगों को, हड्डियों के प्रॉब्लम है, उसमें एज नहीं है, हर एक को है। तो हम लोगों ने सब डॉक्टर्स का अरेंजमेंट किया है यहाँ पे, और मेडिसिन हम लोग चाह रहे कि महीने भर की लोग लेके जाए, क्योंकि हम लोग के पास जो मेडिसिन आई है, आपने अगर देखा होगा तो मेरे ख्याल से 3,000 लोगों को महीने भर की हम दे सकते हैं जी। इसके अलावा इसमें देखिए, एक तो है हार्ट चेकअप, आँखों का तो है ही क्योंकि बहुत ज़रूरी है, दूसरा है बोन्स, बोन डेंसिटी है, फिर गायनेक, एक जहीर अब्बास बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और जो आँखों के हॉस्पिटल भी जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो बैंड्रा के सबसे बेस्ट हैं, जैसे ओजस हो गया, एपेक्स हो गया, ये सारे जो लोग हैं इधर फिल्म स्टार भी जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपने लोग जो नॉन अफोर्डिंग है वो भी अच्छी जगह अपना सब इलाज करें। उसके अलावा किडनी स्टोन है, आजकल किडनी स्टोन इतना आम हो गया है जैसे कैंसर आम हो गया है, उसी तरह प्रोस्टेट, किडनी, ये सबके इश्यूज औरतों और आदमियों को दोनों को है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाने के जो अभी जो हिसाब से लोग खाना खाते हैं उसमें सारी बीमारियां छुपी हुई हैं वो है। और फिर जनरल प्रैक्टिशनर है, उसके अलावा डेंटिस्ट है, गायनेक है, तो हर एक इलाज के लिए डॉक्टर बैठा है। हम लोग का एक्सपेक्टेशन हमेशा 1.5 से 2,000 होता है, पर हमेशा उसे डबल ही आते हैं, 4,000 तक लोग जी। बेसिकली ये जो मेडिकल कैंप कंडक्ट हो रहा है वो बांद्रा के परिसर में यूनिक है, यूनिक इन द सेंस कि ये क्योरेटिव एंड प्रिवेंटिव बोथ द कैंप्स है। नॉर्मली आमतौर पर कैंप पे खाली क्योरेटिव इलाज होता है, मतलब आप डिजीज हो तो आपको दवाई देंगे, या डिजीज की दवाई तो मिलती है बट डिजीज ना हो सके या डिजीज कम मात्रा में हो उसकी प्रिवेंटिव टिप दी जाती है बाय द वेरियस डॉक्टर्स। यहाँ ये मेगा कैंप पे अलग अलग डिसिप्लिन के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं वो निःशुल्क दे रहे हैं, और हमारा जाहिद भाई का, फैमिली मैम का एंड राणे सर का मिशन है कि डिजीज फ्री बॉम्बे, बॉम्बे में कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल को किसी की तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, और एक स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जीवन जो उनका जीने का हक है वो उनको मिलना चाहिए। ये कैंप में अब तक रफली सब 413-415 पेशेंट आ चुके हैं, एंड वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट द सेम फ्लो टू कम इन रिमेनिंग टाइम। और क्या कहेंगे आज के मेडिकल कैंप के बारे में, अब तक कितने पेशेंट्स को आपने देखा है और क्या लग रहा है कि किस तरह के पेशेंट्स का बढ़ा है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मिकिन शाह है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ और एपेक्स विजन आई केयर एंड लेजर सेंटर मेरा क्लिनिक है अंधेरी में। सो आज का ये बहुत ही मेगा मेडिकल कैंप है, और थैंक्स टू जाहिद सर, फहमीदा मैडम एंड राणे सर, उनके वो गरीब लोगों के लिए मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और हमेशा बहुत करते हैं ऐसे मेडिकल कैंप्स, और ऐसे मेडिकल कैंप्स से काफ़ी सारे पेशेंट्स स्पेशली आई रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होता है, कैटरेक्ट होता है, ग्लॉकोमा होता है, रेटिना का प्रॉब्लम होता है, उनको उनके द्वारा काफ़ी मदद मिलती है और राहत मिलती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाहिद सर का, फहमीदा मैडम का और राणे सर का कि वो ऐसे मेडिकल कैंप करते हैं और उनसे काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा होता है। और ऑलरेडी अब तक जैसे सर ने बताया कि ऑलमोस्ट 400 क्रॉस हो चुके हैं पेशेंट्स, और शाम तक में वी एक्सपेक्ट अनदर 400-500 पेशेंट्स टू स्क्रीन टुडे। इसके अलावा प्रिवेंशन
तरह से बात की जा रही थी, तो क्या प्रिवेंशन, क्या आपकी सो प्रिवेंशन में सबसे कॉमन है यंग लोगों के लिए कि स्क्रीन टाइम जितना कम कर सके, मोबाइल का, लैपटॉप का जितना कम हो सके उतना रखना है। एल्डरली पेशेंट्स के लिए सबसे मेन है डायबिटीज़ कंट्रोल करना। डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है, इसको कंट्रोल अगर सही वक्त पे नहीं किया गया तो उसके वजह से आँख में काफ़ी तकलीफ आ सकती है। जैसे पर्दा डैमेज हो सकता है, पर्दे में डायबिटीज़ की वजह से खतरा हो सकता है, खून आ सकता है, मोतियाबिंद जल्दी आ सकता है। ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल है, पर सबसे ज़रूरी है डायबिटीज़ को पहले ही कंट्रोल में रखना। मेरा नाम रफीक मुसा कुरैशी है। मेडिकल कैंप जो रखा गया है गरीबों के लिए मुफ्त में, ये कैसा है कि आज दवा के लिए लोगों के पास में, आज मेडिकल लाइन से पैसा पानी लोगों के पास नहीं है। ये जाहिद खान ने जो मेडिकल रखा है, मेडिकल किंग, ये कई गरीबों के लिए काम आता है। सब टेस्ट फ्री में है और टेस्ट फ्री में होता है ये। अरे इनके अंदर बहुत एक गरीबों की वो है क्या भाई, मैं अच्छा काम करूं, अच्छा लोगों को लगे कि आज मेडिकल लाइन से लोग बहुत परेशान हैं। आज जिधर जाओ उधर लोग बेचारे परेशान हैं, तो सबके हालात तो ऊपर वाला ही देख सकता है। इंसान को एक जरिया बना ऊपर वाले ने, लेकिन जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। आदमी सोचते नेता लोग कि वो इधर क्यों गया, वो इधर क्यों गया, लेकिन जिस पे जो मसला है वो किसका, पहचान वाला अपना काम कर देगा, जिसकी पहचान नहीं वो कैसा काम करेगा। पहचान वाला अपना काम कर देगा, जिनकी पहचान नहीं उनका काम कैसा करेगा। इसके लिए मेडिकल कैंप रखा गया है। और आज कोई डॉक्टर के पास जाओ तो उसका 100 रुपये नहीं है, कैंप फ्री में है, हो रहा है जाहिद यूनुस खान की तरफ से। तो ये सभी का काम है कि सब आके चेक कराओ और मुफ्त में इलाज करा जा रहा है। और मेरे को तो ज़्यादा बात करना नहीं आता, फिर भी लोग आपने इंटरव्यू लिए तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप मुझ जैसे नाजिस की इंटरव्यू लिए आपने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर जी। हम शायद से आज नहीं, आज 10 सालों से काम करवा के ले रहे। कई ऑपरेशन तो मैंने करवा के लिया लोगों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, हर किसी के। आज की तारीख में एक ऑपरेशन करने के लिए एक आदमी का घर बिक सकता है। हमने इतने बड़े बड़े काम उनसे करवा के लिए। मैं समझता हूँ अगर जाहिद खान नहीं रहते तो ऐसे कई लोग थे जो अपना घर बेच डालते हैं। 100 से ज़्यादा ऑपरेशन तो मैंने करवा के लिए जहाँ तक मेरे को याद है, और ऐसे तो हज़ारों ऑपरेशन वो करवाते हैं, हार्ट का, बाईपास, ये वो वगैरह, किडनी का, एक बच्चे का किडनी का ऑपरेशन हमने करवाए थे, 17 लाख का ऑपरेशन था। उनके पास में 17 हज़ार नहीं थे, लेकिन जाहिद खान ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। नानावटी हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। मैंने खुद मेरा ऑपरेशन अभी सेफिया में कराया, मोटर एक्सीडेंट में, लॉकडाउन के अंदर एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पास भी कुछ नहीं था, 2 लाख रुपये खर्चा आया, मेरे को 1 रुपया भरना नहीं पड़ा। खुद जाहिद खान आगे चलकर हॉस्पिटल में जाके मेरा काम करवा के, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनका काम करवा के। हमारे बांद्रे में उनका बहुत बड़ा वर्क है मेडिकल केस, बाकी तो क्या बोलना चाहिए, हमारे सामने ही। और अभी इंशाल्लाह यहाँ से भी निकलेंगे तो बहुत लोगों का इलाज होगा, हार्ट का, इसका वगैरह सबका होने वाला है। और 100% होता है, 1000% होता है, बिल्कुल। चैनल के माध्यम से मैं जाहिद खान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने एक कैंप रखा है। और कैंप रखने के बाद कैसा है कि जैसा किसी को कुछ फॉल्ट आता है तो ऐसा छोड़ते ही नहीं है, वो पूरा काम करते हैं। मेरे भी कई रिश्तेदारों का काम करवाया उन्होंने, फ्री ऑफ चार्ज किया है। कैसा है कि गरीबों के मसीहा है। आजकल मेडिकल के लाइन से कैसा है कि तो रिक्शा ड्राइवर है, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं, 2 लाख 5 लाख का काम होता है, तो उनके पास जाओ तो आदमी खाली नहीं जाता है। वो तो काम करवाते हैं और फुल सपोर्ट करते हैं हर चीज़ से। तो क्या मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इतना कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खाने जाहिद भाई के साथ में वो गरीब लोगों के लिए इतना सेवा करते हैं। आज दवा का कैंप रखा है, आज उसको 10 रुपये की दवा देने की ताकत नहीं होती, लेकिन वो 1000 रुपये की दवा हम फ्री में रखें। चश्मा बोलो, डायबिटीज़ का बोलो, हर चीज़ की दवा मतलब फ्री में रखें।
तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। तो जाहिद भाई को इसके लिए मैं बोलता हूँ जाहिद भाई और आगे बढ़े, क्या ऐसा तो बोलना यही है। मेडिकल कैंप के बारे में एक्चुअली मैं आपको से थैंक्स टू एडवोकेट आशीष शेलार जी एंड जाहिद हिंदुस्तान एंड फहमीदा पानवाला, बिकॉज बॉम्बे इज़ अ फास्ट लाइफ और ऐसी फास्ट लाइफ के अंदर किसी के पास टाइम नहीं है किसी को उठाने के लिए, तो ये तो बेचारे मेडिकल के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो वी आर बी वेरी थैंक्सफुल अबाउट जाहिद खान एंड फहमीदा मैडम एंड आशीष शेलार, क्योंकि बॉम्बे के अंदर ऐसी फास्ट लाइफ के अंदर उनमें जो ये काम कर रहे हैं हम लोगों को बहुत खुशी हुई है। और हम लास्ट 5 years अवर जॉइंटेड टू जाहिद खान एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस गाइज बिकॉज ऑलवेज इज हेल्पिंग द पीपल, दे आर नेवर थिंक अबाउट द कास्ट एंड मतलब किसी रिलेटिव के बारे में, किसी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम लेके जावे तो ऑन द स्पॉट दे आर टेकिंग द डिसीजन एंड ही सेड हाजी भाई टेल मी व्हाट हेल्प यू वांटेड। तो जब भी मैं जो हेल्प के लिए गया मेरे को वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अभी तो यहाँ का माहौल देख के आप बता सकते हैं कि लोग कितना परेशान है, एक तो कारोबार से परेशान है, रोजी रोजगार से परेशान है, और दूसरा उसके ऊपर से बीमारी जो आती है इसके लिए आदमी को शौक हो जाता है। और ऐसे शौक में कोई रिलेटिव काम नहीं आता, कोई मतलब खानदान वाला काम नहीं आ रहा, और उस जगह पर ये लोग खड़े रह के खानदान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए और इनको आगे भी बढ़ाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जाहिद हिंदुस्तान साहब और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और तरक्की करे, और आशीष शेलार जी इनको थोड़ा सा पुशअप करे आगे लेके कि आगे और लोगों की खिदमत करे, मदद कर सके, बस यही चाहूँगा मैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हम लोगों का देखो अभी इतना मुबारक महीना आ रहा है, तो हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि भाई सबके लिए खैर और आफियत के साथ हुए। मैं यहाँ पे सब मेगा कैंप में टेस्ट कराने आई हूँ, जाहिद भाई और आशीष शेलार ने करे हैं जो काम बहुत अच्छा करे हैं। और मैंने पहले ये ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट कराया, बहुत जल्दी हो गया फटाफट, और ECG भी कराया, उसके बाद डॉक्टर चेक करे, अच्छे से चेक करे, बहुत दवा लिख के दिए मेरे को, दवा यहाँ से मुझे फ्री में मिल रही है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा रश और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने के लिए। आज हम मेडिकल कैंप में आए हैं, हम डायबिटीज़ चेकअप कराए और अपने आँख चेकअप कराए। जय भाई, हाँ उनके बारे में हम सोचे उनको लाना है, दिखाया तो फिर निकालना पड़ेगा, खाने पीने होता नहीं, उनके जो हो सके हो सके जितने हो सके काम करें।